हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आज की शिक्षा विभाग की लेटेस्ट न्यूज अपडेट के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को आज हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो दुनिया में जो है तेज़ी से बढ़ रहा हिंदी का वर्चस्व, 19वीं में जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में जो है चौथे स्थान पर थी और 121 साल में यहाँ जो है 75.52 यहाँ प्रतिशत की गति से बढ़ी है हिंदी। और वहीं बात करें यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ जो है पहले नियमावली में हो बदलाव, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य के 50% पदों को विभागीय सीधी भर्ती से भरने के कैबिनेट फैसले पर जो है एसोसिएशन ने शिक्षा सचिव को जो है पत्र लिखा है। तो इसमें जो है बदलाव करने को लेकर यहाँ अपना अपना ज्ञापन दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ जो है 50% पद जो सीधी भर्ती से प्रधानाचार्य के पद भरने हैं उसमें जो है नियम चेंज करने की बात कही है। और वही बात करें यहाँ पर UK SSC UK PSC वैकेंसी को लेकर 7000 पदों की वैकेंसी जो यहाँ पे आपकी UK PSC कराने वाले हैं, तो परीक्षा संपन्न कराने के लिए यहाँ पे आयोग ने मांगे कर्मचारी। तो आयोग में कर्मचारी की कमी है तो अब UK PSC ने कर्मचारी मांगे हैं क्योंकि वर्डन काफ़ी बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी UK PSC के बाद जो है अपने पद हैं तो UK SSC के पद आ चुके हैं तो वर्डन काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसी वजह से कर्मचारी की वहाँ पर चाहिए चाहिए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है 23 भर्तियों के लिए शासन से और 30 कर्मचारी की मांग की है। तो यहाँ पर देखें 30 कर्मचारी यहाँ पर मांग की है, लगभग 23 भर्तियाँ करानी है। समूह भर्ती जो अब लोक सेवा आयोग कराने वाला है, 30 अतिरिक्त कर्मचारी यहाँ पर मांगे गए हैं और इस संबंध में जो है आयोग के अध्यक्ष जो कि यहाँ पर राजेश कुमार, इन्होंने यहाँ पर जो है शासन को पत्र भेजा है और 23 भर्ती प्रक्रिया जो कि आपको कैलेंडर 1 सप्ताह में जारी हो जाएगा अब। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर AEJEE भर्ती की जो है CBI जाँच की मांग, तो यहाँ पर JEE और AEE की वैकेंसी थी उसकी भी है CBI जाँच की मांग करने की बात कही गई है। और आयोग में जो है सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी करीबन जो है 15 पद रिक्त हैं, तो 15 पद रिक्त हैं आयोग के पास, इतनी पदों की वैकेंसी और वहाँ पर चाहिए हैं। और वहीं वहाँ पर बात करें यहाँ पर भर्ती जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है यहाँ पर CBI जांच की मांग को लेकर जो है युवा संगठन लामद, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भर्ती को CBI जांच को लेकर जो है लगातार आंदोलन चला हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर पूर्व IAS की पत्नी से यहाँ पर विजिलेंस ने पूछताछ, तो यहाँ पर देख सकते हैं विजिलेंस ने यहाँ पर जो पूछताछ की है और कहा गया कि जो आय से अधिक जो है संपत्ति रखने वाले आरोपी पूर्व IAS रामविलास यादव की पत्नी कुसुम यादव से यहाँ पर जो आखिरकार विजिलेंस ने यहाँ पर जो है मंगलवार को 4 घंटे पूछताछ की। वो जो है सुप्रीम कोर्ट से हासिल अग्रिम जमानत के आदेश लेकर जो है विजिलेंस दफ्तर यहाँ पर पहुँचे थे और उनसे यहाँ पर विजिलेंस को जो दस्तावेज मांगे थे उन्होंने यहाँ पर जो है बहुत कम साथ लेके आई थी और उन्हें जो है दोबारा बुलाया जाएगा, तो दोबारा से पूछताछ होनी है। और अग्रिम जमानत हासिल करके जो है विजिलेंस ऑफिस यहाँ पर पहुँचे थे और पूर्व जो IAS अधिकारी थे उनकी पत्नी के साथ यहाँ पर जो है संपत्ति से ज़्यादा यहाँ पर आय उतारी जाती, तो इसी वजह से उनकी जाँच हो रही है। और कोऑपरेटिव बैंक के यहाँ पर कॉपोरेट की दशा में जो है काम कर रहे अधिकारी, तो सहकारिता विभाग की जो यहाँ पर समीक्षा बैठक में जो है मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यहाँ पर जो है दिए हैं निर्देश, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक में निर्देश जारी कर रहे हैं। और शिमला पहुँचे 2 दिन से लापता SDM चनियाल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो SDM थे अनिल चनियाल वो यहाँ पर गए बताए जा रहे थे 2 दिन में और खोजबीन किया जा रहा था, फाइनली यहाँ पर शिमला में उनकी खबर मिली है कि वहाँ पर गए हुए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों और कर्मचारियों के विवरण स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगेंगे, तो यहाँ पर अब जो है यहाँ पर स्कूल और कॉलेज में जो है अब बाहरी लोगों और प्रोक्सी शिक्षकों की यहाँ जो है पहचान हो सकेगी और छात्र छात्राओं की जो है सुरक्षा और यहाँ पर स्कूल कॉलेज में यहाँ पर बाहरी एवं संदिग्ध लोगों की पहचान के उद्देश्य से यहाँ जो है शिक्षा विभाग ने यहाँ पर सभी विद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर जो है वहाँ कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाओं और यहाँ पर शिक्षण कर्मियों की जो है फोटोयुक्त प्रोफाइल बनाकर अनिवार्य रूप से यहाँ जो है दिया गया है, और ऐसा न होने पर जो विभागीय संबंधित जो है विभागीय प्रभारी है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई का प्रावधान भी किया जाएगा। तो अब यहाँ पर स्कूल में नोटिस बोर्ड की तरह जो है चिपका जाएगा जो शिक्षकों की जानकारी है, और अगर ऐसा नहीं किया तो कार्रवाई भी की जा सकती है। और कोविड के चलते नहीं हो पाया था अमल, तो अब यहाँ पर अमल होना है और लापरवाह तहसीलदारों का जो है करें जवाब तलब, लापरवाह तहसीलदारों की जवाब तलब करने की बात कही है। और वहीं बात करें मुख्यमंत्री से मिले बेरोजगार CBI जांच कराने की मांग, तो कल बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष बॉबी पवार और उनके जो साथी थे जो पुष्कर सिंह धामी हैं CM उत्तराखंड के, उनकी आवाज़ पर यहाँ पर मुलाकात की और बॉबी पवार ने जो है संघ ने मंगलवार को जो है CM के सामने यहाँ पर जो है UK प्रदेश की सारी भर्तियों को जो है निरस्त करने और यहाँ पर CBI जांच कराने की मांग और
पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई का यहाँ पर आश्वासन दिया है और जरूरत पड़े तो सीबीआई जांच का भी आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। हालांकि बेरोजगारों ने यहाँ पर जांच न होने तक जो है आंदोलन जारी रखने की बात की, तो जांच जब तक नहीं होती अच्छे से तब तक आंदोलन चलेगा, ये बेरोजगारों का कहना है। और सामाजिक कार्यकर्ताओं करती हड़ताल खत्म, तो यहाँ पर देखते भुगतता करी है। और वहीं बात करें यहाँ पर एनपीएस राशि से यहाँ पर जो है पेंशन के लिए अलग फॉर्म नहीं होगा अब। और वहीं बाई पेपर लीक में जो है आरएमएस कंपनी के मालिक का भाई वो साथी गिरफ्तार, तो यहाँ पर देखते हैं कि आरएमएस कंपनी का जो भाई है और उसका सब साथी है गिरफ्तार कर दिया गया है। और सचिवालय रक्षक मामले में भी चार रिमांड पर हैं, तो सचिवालय रक्षक में भी यहाँ पर चार नए आरोपी पकड़े गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं वन दरोगा भर्ती विजिलेंस ने यहाँ पर जो है कब्जे में लिए दस्तावेज, तो वन दरोगा भर्ती सॉरी दरोगा भर्ती है ये एसआई वाली भर्ती, इसमें जो है विजिलेंस ने दस्तावेज जो है जाँच कराने की बात की गई है। और भर्ती संपन्न कराने को लेकर जो है आयोग के ने यहाँ पर कर्मचारियों की मांग की है, तो 30 कर्मचारी यहाँ पर चाहिए और तब जाके भर्तियाँ आपकी हो पाएंगी। और सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो है अनशन जारी है यहाँ पर। तो यूके प्रदेश पेपर लीक में जो है विधानसभा में हुई भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई जांच को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो है अनशन जारी किया गया है। और सीएम ने दिया सीबीआई जांच का आश्वासन, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएम ने आश्वासन दिया कि यहाँ पर सीबीआई जांच हो सकती है। उत्तराखंड में भी यहाँ पर जो है होगा मदरसों का सर्वे, तो यहाँ पर देखते हैं कि सीएम धामी ने कहा कि कई मदरसे जो है बिना मान्यता चलने की जो है मिली शिकायत, तो यहाँ पर बिना मान्यता के चल रही शिकायत और इसमें यहाँ पर अब इसका सर्वे किया जाएगा और ये होगी पड़ताल। तो यहाँ पर देखते पड़ताल होगा और ये जो है मकसद रहेंगे शिक्षकों के। और वहीं यहाँ पर मदरसों में जो सर्वे करने का जो शिक्षा का अधिकार है ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर ये तो और वहीं बात करें यहाँ पर रुद्रप्रयाग में जो है 24 अपात्र कर रहे थे पीआरडी में नौकरी, सभी को हटाया। तो यहाँ पर देखते हैं कि रुद्रप्रयाग में 24 अपात्र जो यहाँ पर पीआरडी जवान थे वो अपात्र होने के बाद जो है नौकरी कर रहे थे, सभी को हटा दिया गया है। बताया गया कि यहाँ पर बिना ट्रेनिंग जो है हासिल कर रही थी यहाँ पर नौकरी। और आरटीआई में जो है खुलासे के बाद जो यहाँ पर हुई कार्रवाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं आरटीआई में खुलासे के बाद यहाँ पर कार्रवाई हुई है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में जो है अपात्र लोगों को जो है नौकरी देने का जो है मामला सामने आने के बाद जो है अब अपात्र लोगों को यहाँ पर जो है नौकरी से हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और प्रशासन ने जो है निर्देश पर जो है पीआरडी में मिले जो यहाँ पर 24 जवान थे उनको हटा दिया गया है, जबकि यहाँ पर अभी जाँच चल रही है। तो यहाँ पर जाँच चली हुई है, फिलहाल 24 जो मिले हैं आरटीआई के अनुसार मिले हैं तो उनको हटा दिया गया है। और वहीं बात करें प्रिंसिपल के पदों पर जो है 50% पद सीधी भर्ती पर जो है उठाए सवाल, तो यहाँ पर 50% पद जो है सीधी भर्ती पर एलटी शिक्षक वालों ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं। और वहीं बात करें आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो बीएआरसी यहाँ पर जो है 51 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, चिकित्सा वैज्ञानिक अधिकारी की पोस्ट है, इसके लिए 18 से लेकर 50 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं 500 रुपये का चालान रहेगा, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और MSMETC यहाँ जो है रोहतक में पोस्ट निकाली गई 17 पदों के लिए, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं। और 27 सितंबर तक आवेदन है, ऑफलाइन तरीके से वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यहाँ पर 1041 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया वर्कर का रहता है इसमें। और कारपेंटर ड्राइवर इत्यादि की पोस्टें हैं, इसके लिए 18 से लेकर 38 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन अगर बात करें यहाँ पर मान्यता प्राप्त है कि डी फॉर्म बी फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर का ज्ञान होना कंपलसरी है। और इसके साथ 30 सितंबर आवेदन कर सकते हैं, 100 रुपये का चालान रहेगा, वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन आवेदन करना है, 100 रुपये का चालान है। और वहीं यहाँ पर अन्य पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके ट्रांसलेटर स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है, 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यहाँ पर भी 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर दोनों का दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर भर्ती के बारे में, तो यहाँ पर आज जो है यहाँ पर वेडनेसडे को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के दिन आज जजमेंट आना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जजमेंट होना है 14 सितंबर यानी कि आज के दिन, जिसमें नंदन सिंह बोरा केस लगा हुआ है। और यहाँ पर आपका पीआरटी भर्ती जो काफ़ी लंबे से पेंडिंग में था, तो आज एनआईएस को लेकर जो फैसला होना है भर्ती के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आज कंफर्म हो जाएगा और कि यहाँ पर क्या जजमेंट होता है। अपडेट बनने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर जो है सभी विभागों जो है समीक्षा बैठक ली, और इसमें जो है प्राथमिक है जूनियर है और माध्यमिक स्तर पर जितने भी रिक्त पद हैं शिक्षकों के उन सभी को भरने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और साथ में यहाँ पर पदोन्नत के पद भरने के और उच्च न्यायालय में जो लंबित मामले हैं वो उनकी पैरवी करने को नियमित रूप से पैरवी करने को लेकर अधिकारियों से हमें निर्देशित किए गए हैं। तो आपके प्राइमरी लेवल के एलटी शिक्षक की और यहाँ पर प्रवक्ता लेवल की शिक्षा भर्ती कर जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने की बात कही गई शिक्षा मंत्री ने। साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया जितने भी आपके कोर्ट में केस है, जैसे पीआरटी कोर्ट में केस है, एलटी कुछ पदों की पोस्ट के कोर्ट में है, तो उन सभी को यहाँ पर जो है
नियमित करने की बात की गई है और जल्द यहाँ पर जो है इन पर जो है कार्रवाई करने की बात सीएम जो मुख्यमंत्री सॉरी यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर जो है बैठक में कल महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।